सिद्धार्थनाथ सिंह वोट डालकर आए हैं सर, आप पूरे परिवार साथ ने वोट डाला है, क्या कहना चाहते हैं लोग से, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा सभी लोग निकले और वोट डालें और जल्द से जल्द डालें वोट, जिससे कि लोकतंत्र और मजबूत हो। ऋचा सिंह पिछली बार भी थी और अब की बार वो कह रही हैं कि वो जीत रही हैं, क्या कहना है? नहीं, ये तो सभी कैंडिडेट बोलते हैं तो उनको भी ये अधिकार है, इसमें कुछ और बोलने की बात नहीं है। कितनी सीट बीजेपी अब की बार ला रही है? भारतीय जनता पार्टी 300+ लाएगी। 300+ लाएगी, तो ये सिद्धार्थनाथ सिंह थे जो कह रहे थे कि 300+ जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी इस बार लाएगी। आप देख सकते हैं ठीक बगल में यहाँ पर सेल्फी जोन है जहाँ पर इनका जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे जो इनके परिवार के हैं। हम सीधा चल रहे हैं इनकी वाइफ के पास जो है। मैम, आप भी वोट डालकर आ गई हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? पहले मतदान, फिर जलपान, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ये आपका कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र को और मजबूत करें। जी ठीक है, तो ये सिद्धार्थनाथ सिंह की पत्नी थी जो बता रही थी कि पहले मतदान फिर जलपान, तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने वोट डाल लिया है और लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर आएं और अपने मतों का प्रयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिरुद्दीन, पंजाब की SVTV प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।